गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल R&R अपना मॉर्निंग केयर में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लाया हूं, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। तो एक सफल नेटवर्क मार्केटर के क्या गुण होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वालिटी होता है अ बर्निंग डिजायर। तो जो भी सक्सेसफुल नेटवर्कर होता है, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर होता है, मतलब एक तीव्र इच्छा शक्ति, मतलब किसी भी चीज के जानने के लिए वो जिज्ञासु होता है। वो उसको जानने के लिए कुछ भी, जैसे प्लान में कुछ भी चेंजेज आता है, कुछ भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो चीज होना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसको टीम को शेयर करना, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो बर्निंग डिजायर होता है फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में। सेकंड क्वालिटी होता है इंटीग्रिटी एंड रिपुटेशन। तो दोस्तों, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी एक सबसे बड़ा एसेट होता है नेटवर्कर के लिए। और रिपुटेशन, रिपुटेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके मतलब बैकग्राउंड या मनी से लेके नहीं है, रिपुटेशन आपके अंदर आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके मतलब एबिलिटी है, जो आपका स्किल है, उसके बेस पे है रिपुटेशन को यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों, आप ईमानदार होना चाहिए आपको, और आप एक आपकी एक प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब आपके बारे में लोगों को आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा जो क्वालिटी होता है एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम आते हैं, तो कई दोस्त हमारे सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है, प्रोडक्ट हमें देना होता है। बट दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम एक सर्विस दे रहे हैं। हमारे अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। और जैसे अगर हम किसी के पास जाते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम उसको इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने चाह रहे हैं। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को समझता है, एक्सेप्ट करता है, तो आज उसका भी लाइफ बदलने वाला है। तो अगर ये भाव होगा दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ में दोस्तों, हमें जो अपना ग्रेटिट्यूड का क्वालिटी है, ग्रेटिट्यूड का क्वालिटी, उसको कभी नहीं मतलब छोड़ना है। हमें किसी से भी की मतलब हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारा टीम में है, जो भी छोटा है बड़ा है, कोई भी, हमें सबके साथ एक ग्रेटिट्यूड का भावना रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक क्या कहते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो थर्ड क्वालिटी दोस्तों होता है एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वालिटी फोर्थ होता है लीडरशिप। तो दोस्तों, हम इस बिजनेस में आते हैं, हमारे साथ हमारी टीम होती है, हमारे डाउनलाइंस होते हैं, अपलाइंस होते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और हमें मतलब बताया जाता है कि कैसे हमें अपने टीम को डेवलप करना है और कैसे हमें अपना लीडरशिप निखारना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी लीडर्स हैं, लीडर क्रिएट करते हैं, ना कि फॉलोअर क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ये ऐसा है कि जिसमें डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम ऊपर से जो सीखते हैं, जो हमारे अपलाइन से सीखा हमने, जो हम हमारा नॉलेज है, वो सारा नॉलेज बिना मतलब कुछ छिपाए हुए हम उसको अपने टीम में डिलीवर करते हैं, अपने टीम को बताते हैं, टीम को सिखाते हैं। बस आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो डाउन द लाइन है, उसमें राइजिंग स्टार्स कौन है और किसकी क्या क्वालिटी है, क्या हिडन क्वालिटी है, उसको हमें उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिखाना है। और उनको जो भी हेल्प सपोर्ट चाहिए, वो हमें देकर एक अपना अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल देना है। तो फोर्थ के बाद चलते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ क्वालिटी होता है एंथुसियाज्म। तो दोस्तों, जैसे कि एंथुसियाज्म का मतलब है कि आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर कुछ अलग कर गुजरने की जो चाह है, वो होता है एंथुसियाज्म। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हम जब भी आते हैं, तो हम अपना कुछ हमारा जो
सपना होता है, जो ड्रीम होता है, जो गोल होता है, उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं। कुछ मतलब जो भी हमें एक्शंस दिया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, एक्शंस को निर्धारित समय के अनुसार उसको हम करते हैं, तो ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद 6 पे चलते हैं दोस्तों, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। तो जो भी मतलब सीखने के लिए मिलता है, जो चीजें भी हमें, जैसे हम कई मोटिवेशनल स्पीकर्स का वीडियो देखते हैं, हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, हम जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो ट्रेली यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए भी बेनिफिट है, और साथ में हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। और कोई भी अगर चेंजेस होता है, जैसे कोविड काल में दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि जैसे हम ऑफलाइन मीटिंग करते थे, सेमिनार करते थे, वो सब मतलब गैदरिंग होता था, तो उसको कोविड पीरियड में हम उसमें क्या चेंजेस लाए, क्या बदलाव लाए कि हम उसको ऑनलाइन करने लगे, जूम से, यूट्यूब से, फेसबुक से। तो कई सारे ऐसे चीजें निकल के आई कि जैसे कि हमारे अंदर जो एक बाउंड्री था कि हम क्या कहते हैं किसी स्टेट में है या किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी के पीपल से मिल सकते थे, उन्हीं लोग, बट ऐसा जो बदलाव आया उसको अगर हम लोगों ने अडॉप्ट किया, तो अब हमारे बीच बाउंड्री नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ही क्या, वर्ल्ड में कहीं भी हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कि अब हमारे बीच क्या है, दीवारें नहीं है। कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी चेंजेस हुआ उस चीज को अडॉप्ट किया और उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 7, ड्राइव फॉर एक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, क्वालिटी है। जैसे कि हमें जो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्शंस को अभी करना है। जैसे कि कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुत करेगा कब। तो दोस्तों बिल्कुल ही सही कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होता है वो एक्शंस को कभी मतलब डिले नहीं करता है। वो क्या कहते हैं, जो भी एक्शंस करना है हमें तुरंत करना है। हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरी लेंगे, पेन पेन उठाएंगे, और अपने जो भी नियर डियर है, जैसे हम अपने फोन को ओपन किया, कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन किया, उसमें से फर्स्ट मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे हमने अभी तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर नहीं किया है, बताया नहीं है। तो जस्ट नोट डाउन, आपको हो सकता है कि आधे घंटे लग जाए उसको करने, बट हम उसको टालेंगे नहीं कि हम उसको संडे को कर लेंगे या किसी हॉलीडे में कर लेंगे। जो भी करना है हमें तुरंत करना है। ये क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो हमें अपने आप पे डिसिप्लिन मैनर में रखना है। कि डिसिप्लिन मैनर का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो भी रूटीन है, जो भी हमारा डेली रूटीन है, वो हमारा फिक्स होना चाहिए। और जैसे जो भी मान लीजिए मीटिंग का टाइम है, तो मीटिंग का टाइम पे हमें मतलब टाइम पे ही हमको मीटिंग में जुड़ना है। और उसमें क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल ऐड करें, जैसे हम हर मंथ बिलिंग करते हैं, तो बिलिंग करने के लिए दोस्तों कई हमारे साथी ऐसे होंगे कि जो वेट करते हैं, ठीक है अभी 15 तारीख तक का है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल ठीक है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ मतलब नेटवर्क इश्यू है, कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है, कुछ सर्वर का इश्यू है, तो उस टाइम पे हम क्या होता है, अगर बिल नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो बेनिफिट हमें मैक्सिमम लेना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किए हुए हैं। अगर हमें क्या कहते हैं प्रोडक्ट हर मंथ हम अगर हम ले रहे हैं कंपनी से, तो क्यों ना हम मतलब फर्स्ट टू टेंथ जो होता है उसमें मैं परचेज करूँ, ताकि हमें सारे बेनिफिट मिल सके। और इसी तरह से जो भी मतलब है, चाहे मीटिंग का हो, चाहे प्रोडक्ट परचेज करने का हो, चाहे किसी से अपॉइंटमेंट लेने का हो, चाहे कि हमारा
डेली रूटीन का वर्क हो, उन सब में अगर हम डिसिप्लिन रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं। तो ये क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारा, हम कितने प्रिजर्वेंस हैं, कितनी हमारे अंदर दृढ़ता है। दृढ़ता क्योंकि इस बिजनेस में दृढ़ता रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जब हम इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते रहते हैं। धीरे धीरे हम बिजनेस को बारे में सीखते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, हम इस बिजनेस में हमारा जो मेन मोटो होता है पैसिव इनकम के लिए होता है। और पैसिव इनकम दोस्तों किसी चीज में जुड़ने से तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, हमें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत में हमारा एफर्ट ज्यादा होता है, इनकम कम होता है। और जैसे जैसे हम सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, फिर हमारा क्या कहते हैं, एफर्ट कम होता है और इनकम हमारा बढ़ता जाता है। तो दोस्तों और मतलब इस बिजनेस का जो एक मेन है कि हमें कभी क्विट नहीं करना है, नेवर क्विट। आप लोगों को बताया जाता है कि कभी भी आप इसको क्विट मत करिए, और इसमें मतलब पेशेंस के साथ आप डटे रहिए और सफलता जरूर आपको मिलेगी। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी में। नेक्स्ट क्वालिटी जो होती है दोस्तों, कमिटेड फॉर कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ। तो हम इस बिजनेस में आए हैं, जो भी हम सीखते हैं, हम बिजनेस से रिलेटेड तो सीख रहे हैं और साथ में हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे सपोज आप क्या करते हैं, अगर मोदी केयर कर रहे हैं या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का में आप ज्वाइन है, तो आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनल मतलब व्यक्तित्व है वो बहुत ही चेंज होगा। कैसे आपको लोगों से डील करना है, कैसे कोई अगर निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स है तो उसको हम कैसे हम डील करेंगे, हमारा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें कैसे रिलेशंस बनाने हैं, कैसे पर्सनल टच बना के रखना है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हैं, जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, आप पब्लिक स्पीकर बनते हैं, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल आती है। तो बहुत सारा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ होता है। और साथ में आप यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस भी करते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करते हैं। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट में, प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड ड्रेस अप फॉर सक्सेस। तो सक्सेसफुल नेटवर्कर का ये भी क्वालिटी होता है कि उनका जो पर्सनालिटी होता है एक प्लीजिंग पर्सनालिटी, मतलब देखते ही लोग उसमें मतलब एक अट्रैक्शन आ जाता है। और जो ड्रेसअप होता है वो भी क्या कहते हैं, एक अच्छा ड्रेसअप होता है कि क्या कहते हैं, मतलब एक हमें कहीं भी जाना है, हमें कैजुअल में नहीं जाना है, आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर का जो होता है उस मतलब पर्सनालिटी और उस ड्रेसअप के साथ आपको वहां पे जाना है। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे मैं मोदी केयर कर रहा हूँ तो वो मोदी केयर के बारे में नहीं जानता है, वो हमको देखेगा कि हाँ ये मोदी केयर से आए हैं। तो एक हम सिंबल है वहां पे, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां पे जाते हैं। तो अपने आप को जितना अच्छा हम वहां पर प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा हमारी कंपनी का इमेज होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जैसे 11th पॉइंट कहता है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। तो कहीं भी हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, कहीं मीटिंग में जाना है, किसी को क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाना है, तो हमें पंक्चुअल होना चाहिए हमेशा। अगर आपने 8 बजे का टाइम दिया है तो आप 8 बजे से पहले ही पहुंचे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लेट करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता है। और प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का मतलब कि अगर हम किसी से प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं तो जो भी हमारा टूल है वो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो भी पीपीटी है वो हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ डेमो किट होना चाहिए, हमारे साथ जो कनेक्ट मैगजीन है, जो भी मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो ब्रोशर्स हैं, वो चीजें होनी चाहिए, ताकि हम जो भी प्रोस्पेक्ट का मतलब क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, या जो भी वो जानना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, हम वहां पे उसको एडवांस दे सकें।
तो ये 12th के बाद चलते हैं 13 क्वालिटी के पे फ्रेंड्स। 13 होता है एबिलिटी टू लीड अ बैलेंस लाइफ, मतलब संतुलित जीवन जीने की क्षमता। तो दोस्तों जैसे कि इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, कई फ्रेंड का रहता है कि टाइम फ्रीडम एक मेन होता है, कि जैसे हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो क्या होता है कि हमें जब भी हमें जरूरत होती है, हमारे फैमिली को हमारी जरूरत होती है या हमें कहीं जाना होता है, तो कई सारे फाउंडेशन आते हैं कि या उस समय लीव नहीं मिल पाता, कुछ नहीं हो पाता, तो वो सब चीजें क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है माइंड पे। बट यहाँ पे आप सीखते हैं कि आपको कैसे अपने लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बनाना है। आप इस बिजनेस में आते हैं, आप अपने कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से इसमें टाइम देके आप क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और आप इस बिजनेस के साथ साथ आप अपने जो लाइफ है, लाइफ जो नीड है, जैसे आप फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबको आप बैलेंस करके रख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे जो भी हमको अर्निंग होती है, हम हर चीज को यहाँ पे प्लान करके रखते हैं। सपोज कि अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो हम उसको पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं, हमें क्या कहते हैं क्या इनकम आना है वो सब पूरा प्लान करके रखते हैं। और साथ में सपोज कि हमने कहीं से लोन लिया हुआ है उसके बारे में हम पूरा प्लान करके रखते हैं। तो एक और साथ में फ्रेंड्स, जैसे कि हमें एक्सपेंस के बारे में है, तो कुछ भी एक्सपेंस आ रहा है तो उसका पूरा प्लानिंग करके रखते हैं। तो एक अगर हम इन सब चीजों को प्लान करके रखते हैं तो एक मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है। तो हमारे पास एक बैग कोई मतलब अगर क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ गई तो उसको उससे हम उससे फाइट कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब चीज भी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर का क्वालिटी है। और उसके बाद आता है दोस्तों बिल्डिंग नर्सरिंग रिलेशनशिप। तो मतलब किसी के साथ हमें कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। तो जैसे कि हम जैसे जो हमारा सुबह का क्लास होता है गोपाल चंद साहू सर के साथ, जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें हम लोगों को बताया जाता है लिव विथ वैल्यूज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो वो सब चीजें हमें कैसे करनी होती है, कैसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा और हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे आएगी और कैसे हम किसी अच्छे हैबिट को कैसे बना सकते हैं। तो वो सब चीजें क्या कहते हैं जो हमारा मतलब बिजनेस के साथ साथ हमारा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों इसमें हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो एक सक्सेसफुल जो नेटवर्कर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है कि वो कैसे किसी के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशनशिप बना सके। और कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, सिक्स्थ होता है इमोशनल रिजिलेंस, मतलब कि भावनात्मक लचीलापन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे एक मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अ ट्रू चैंपियन कैन बाउंस बैक, दैट्स व्हाट बीइंग चैंपियन इज, बीइंग एबल टू डील विद द डाइवर्सिटी एंड बीइंग एबल टू बाउंस बैक। तो दोस्तों मतलब जो मतलब इमोशनल रेजिलियंस है वो क्या होता है कि आप कितने मतलब भावनात्मक रूप से कितने आप फ्लेक्सिबल हैं, कि जैसे कि किसी भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपका जो भाव है वो कैसे क्या कहते हैं उस चीज को समझता है और कैसे उसको एडॉप्ट करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के लिए 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताया और वन बाय वन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट अपना आता है बर्निंग डिजायर, और उसके बाद सेकेंड आता है फ्रेंड्स इंटीग्रिटी एंड रिपुटेशन, थर्ड होता है एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड, एंड फोर्थ होता है फ्रेंड्स लीडरशिप, एंड फिफ्थ होता है एंथुसियाज्म,
एंड उसके बाद आता है सिक्स होता है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, सेवेंथ होता है ड्राइव फॉर एक्शन एंड एट्थ होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, नाइन्थ होता है फ्रेंड्स प्रिजर्वेंस एंड टेंथ होता है कमिटेड फॉर द कंटिन्यूस पर्सनल ग्रोथ एंड इलेवेंथ होता है प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड ड्रेसअप फॉर सक्सेस एंड ट्वेल्थ होता है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड एंड थर्टींथ होता है एबिलिटी टू लीड अ बैलेंस लाइफ और फोर्टीन होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फिफ्टींथ होता है बिल्डिंग अ नर्सरिंग रिलेशनशिप एंड द लास्ट इज इमोशनल रिजिलियंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक सक्सेसफुल नेटवर्कर की क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में आपको जानने को मिला। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल चीज़ें मैं आप तक शेयर करता रहूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।